बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो लास्ट क्लास में बेटा आपको हमने हमने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन किया था डेप्रिसिएशन का सोफे के नाम से, जिसमें मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था। और हमने फिर ये कहा था कि आप इसको स्टेट लाइन से भी सॉल्व कर लें, जो रेट्स दिए हुए उनको आप आरबीएम के रेट्स ना अज्यूम करें बल्कि स्टेट लाइन के रेट अज्यूम करें। तो फिर हम ये मालूम कर लेते हैं हमारी हर साल कितनी डेप्रिसिएशन क्या होगी, चार्ज होगी। तो मैं सिर्फ वर्किंग कर देता हूँ आपको स्टेट लाइन मेथड की। जैसे कि अगर हम वर्किंग कर लेते हैं डेप्रिसिएशन की, हमने कहा वर्किंग नंबर वन डेप्रिसिएशन, बाकी आप एंट्रीज के इफेक्ट ले लीजिएगा खुद ही इसके। वालेकुम सलाम। डेप्रिसिएशन की हम एंट्री वर्किंग कर लेते हैं। तो 2010 हमने कहा सर 2010 में हमारे पास एक ही एसेट था जिसकी वैल्यू क्या थी, 4200 रुपए, और उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था, 25%। तो आंसर आ गया आपके पास 1050। 1050 आपकी हो गई पहले साल की डेप्रिसिएशन। यस सर। अच्छा, उसके बाद 2011 में आप आ गए। और 2011 में आपके पास ये 4200 वाला एसेट भी मौजूद है। अब इसकी जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो इसी कॉस्ट पे चार्ज करनी है, कांस्टेंट डेप्रिसिएशन। तो इसकी सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन जो होगी वो भी 1050 ही होगी। ठीक है। और जो नया एसेट इस साल परचेज किया है 5000 वाला, उसकी कॉस्ट का निकालना है आपने 30%। कितना बना, 1500। और ये आंसर आपका आ जाएगा कितना, 2550। ठीक है जी। तो जब आपके पास 2011 में बैलेंस बीडी होगा किसका, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 1050, इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज हो रहा होगा 2550। जब आप दोनों को मिलाएंगे तो आपको बैलेंस शीट मिल जाएगा इसका, ठीक है ना, जिसको आप मैच कर देंगे एसेट की कॉस्ट से और फिर बैलेंस मिल जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। 2012 में वो 4200 वाला एसेट भी मौजूद है, मशीन वन, स्ट्रेट लाइन मेथड है, कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, इसकी कॉस्ट का 25% निकाला आपने, 1050। 5000 को दोबारा क्या किया, कॉस्ट पे ही डेप्रिशिएट किया क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है और कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, वो कितना आंसर आ गया, 1500। और जो नया एसेट परचेज किया है 3500 का, उसका आपने कितना वर्कआउट किया, 35%। और वो 35% आंसर कितना आया, 1225। ठीक है, कुल मिला के आंसर क्या हो गया, 3775। इससे एंट्री बनी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और जो अक्यूमुलेशन अकाउंट का बैलेंस भी था उसमें मजीद इजाफा हो गया, और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, फिर बैलेंस शीट बन जाएंगे, क्या इशू बोले। तो एक काम करते हैं, क्विक जल्दी से इसका अकाउंट शो कर देते हैं आपको, किस चीज का, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। रुपीज 2010। और हमने कहा यहां पर एंट्री पहुंची 31 दिसंबर, एंट्री बनी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, जो गया इंपैक्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट, और ये वाला अकाउंट क्या हो रहा है, अक्यूमुलेशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितने से, 1050। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से इंपैक्ट गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, 1050 चार्ज हुए बतौर एक्सपेंस, और 31 दिसंबर को यहाँ एंट्री क्रेडिट होने की वजह से
कॉन्ट्रा क्रेडिट हो गया और वो कॉन्ट्रा आपका बन गया बैलेंस सीडी 1050। जवाब दे बेटा, कॉस्ट का अकाउंट तो सेम रहेगा ना, उसके बैलेंस सीडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा वो अकाउंट बना के दिखा नहीं रहा हूँ मैं आपको। बन तो रहा है ऑब्वियसली वो अकाउंट, लेकिन मैं बना के शो नहीं कर रहा, ठीक है जी। अच्छा जी, 1 जनवरी 2011 जो हमारे पास बैलेंस बीडी है इस अकाउंट में वो 1050 है, और इस साल के एंड पर 31 दिसंबर पर आप मजीद डेप्शन चार्ज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट किया आपने, उसको वहां से भेजा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2550 से, और ये अकाउंट क्या कर दिया आपने 2550 से क्रेडिट कर दिया, तो इस अकाउंट का बैलेंस अब सम होके कितना हो गया 2011 के एंड 31 दिसंबर बैलेंस सीडी 2550। ठीक है, सॉरी 3600। फिर 2012 शुरू होता है, और 2012 के स्टार्ट पर 1 जनवरी को आपके पास बैलेंस बीडी है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, वो कितना है 3600 है, और आप इस अकाउंट में 31 दिसंबर को मजीद इम्पैक्ट लेते हैं इस साल के एक्सपेंस का, वो एक्सपेंस तो चार्ज होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट हुआ डेप्शन एक्सपेंस के अकाउंट में, वहां से इम्पैक्ट गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 3775 से, और ये अकाउंट अक्यूम डेप्शन अकाउंट क्या हुआ क्रिएट हुआ, रेफरेंस आया डेप्शन एक्सपेंस का, ये अकाउंट क्रेडिट हो गया 3775 से, और फिर इस अकाउंट का सम हो गया 31 दिसंबर बैलेंस सीडी कितना आ गया आपके पास 7375। ये आपके सामने अकाउंट बना दिया, आप बताइए क्या मसला है इसमें, कौन सी इतनी मुश्किल बात थी बेटा, ये आपके आंसर क्या होगा वेरीफाई होगा, अब आप मुझे बताइए। क्या एसेट की लाइफ मुकम्मल हो चुकी है बेटा, हम महत कैसी बातें कर रहे हो यार, मतलब यानी कि एग्जामिनर तुमसे पूरे उस वक्त तक की अकाउंटिंग मांग रहा है जिस वक्त तक इसकी लाइफ खत्म हो जाए, जरूरी थोड़ी है बेटा, अगर रेट 25% है तो लाइफ कितनी हुई 4 साल, तो अभी जो चौथा साल होगा उसमें जाके जो होगा वो पहला वाला एसेट जो होगा वो फुली डेबिट होगा, जब लाइफ कंप्लीट हुई नहीं है तो ऐसा कैसे हो सकता है बेटा कि आपकी टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो डेप्शन अमाउंट के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब लाइफ अभी बाकी है ना बेटा, अभी तो एसेट की लाइफ बाकी है, अगले साल और इस्तेमाल करेंगे, तो जो 2013 खत्म होगा वहां जाके जो पहली मशीन है उसकी लाइफ के 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ तो ये क्वेश्चन आपके सामने हो गया सॉल्व, कोई मुश्किल इसके अंदर हो तो बताइए। तो ये हमने देखिए आप ध्यान में रखिएगा, हमने इसको सॉल्व किया है आरबीएम से भी, हमने इसको सॉल्व किया स्ट्रेट लाइन से भी, यस और नो बोलिए। जो ओरिजिनल रिक्वायरमेंट थी वो तो कौन सी थी, आरबीएम थी, जो ओरिजिनल क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में मौजूद है, लेकिन हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया है स्ट्रेट लाइन से भी। जवाब दें, अच्छा दोनों केसेस में हमने पॉलिसी कौन सी फॉलो की है ये बताइए, फुल ईयर क्या ख्याल है, तो फिर इसका मतलब ये कि ये क्वेश्चन एक दफा फिर हो सकता है,
एक और assumption के साथ, एक बार स्ट्रेट लाइन से एक बार आरबीएम से, लेकिन मेथड तो स्ट्रेट लाइन और आरबीएम हो गया, लेकिन पॉलिसी कौन सी होगी? फ्रैक्शनल पॉलिसी होगी कि जितने मंथ्स ये एसेट इस्तेमाल हुआ है हम डेप्शन भी चार्ज करें उतने मंथ्स की। जवाब दे। हाँ भाई, बाकी लोग हैं क्लास में जिन मेरी बात सुन रहे हैं सब लोग, चंद लोग ही जवाब देने वाले हैं मुझे। इसका मतलब मैं ये लूंगा कि बाकी लोगों ने होमवर्क को देखने की जहमत नहीं की है। ये डेप्रिसिएशन मजाक नहीं है, जरा देख लें बच्चों की हालत क्या हो जाती है, आपको पता नहीं है तो अब आपको सीखने को मिल रहा है तो जरा क्या कर लें, इसको अच्छी तरह सीख लें, समझ लें। ये मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार मुख्तलिफ अजम्पशन से करवा रहा हूँ ताकि जो क्वेश्चन आपके सामने आए उसको उसी तरह आप सॉल्व करें जो अजम्पशन उस पर अप्लाई होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात या नहीं? चलें जी, अब मैं काम करने जा रहा हूं। देखिए कुछ चीजें आगे कवर हो जाती हैं, अब आपको ये अपना जजमेंट अप्लाई करना है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन में आप accumulated depreciation को लिख दें अपोजिट साइड पर, एसेट के उस तरफ इक्विटी वाली साइड पर, वहां काउंटर ओपन कर दें, या फिर अकाउंटिंग इक्वेशन में आप क्या करें accumulated depreciation का अकाउंट ना खोलें बल्कि अकाउंटिंग इक्वेशन में जो भी depreciation चार्ज हो रही है उसको आप क्या कर दें एसेट में से लेस कर दें। क्यों? चूंकि वो WDE पे शो हो जाएगा। तो ये दोनों अप्रोचेस आपको सिखा दी ना कि अकाउंटिंग इक्वेशन में आप जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। अब इसको अप्लाई करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अपनी जजमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी बेटा। जब तक आप अपनी जजमेंट अप्लाई करना नहीं सीखोगे ना तब तक आपको मतलब बात नहीं बन पाएगी। एग्जामिनेशन में सिचुएशन ऐसी बनेगी कि फैसला आपने लेना होगा, तो जब तक आप फैसला करने के काबिल नहीं हो ना तो यकीन करो एग्जाम आप फेस नहीं कर सकते। थोड़ा आप जो सीख चुके हो उसकी बेस पर आप जजमेंट जरा अप्लाई करना सीखो अपने, ठीक है ना। अब उसके बाद हम यहाँ से आगे बात करते हैं, और मतलब आगे बात ये कर रहा हूँ कि मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ, वर्किंग्स को दोबारा परफॉर्म कर रहा हूँ सोफे वाले की। और क्या करने जा रहा हूँ जरा देखिएगा तवज्जो से सब लोग। सोफे स्ट्रेट लाइन मेथड ही कर रहा हूँ, पहले आसान है इसलिए। और पॉलिसी कौन सी फॉलो कर रहा हूँ? फ्रैक्शनल। ठीक है बेटा, अब बताइए आप मुझे 2010 यानी हम वर्किंग्स कर रहे हैं दोबारा से, आप मुझे बताइए वर्किंग्स। वर्किंग नंबर वन, क्या नाम देंगे इसको हम? डेप्रिसिएशन का। भाई एंट्री तो आपको बनाना आती है ना, एंट्री का इफेक्ट तो आपको ले लेंगे मेनली, तो क्या है आपके लिए वर्किंग है इंपॉर्टेंट? जवाब तो भाई बोलेंगे तो मैं तो अभी अकाउंट बना के दिखा दूंगा, इससे पहले बनाया। अच्छा जी ये बताइए 2010 के एंड पर आपके पास एक ही मशीन है, मशीन वन, जो आपने कब परचेज की थी? जनवरी में, ऐसा ही है। अच्छा, जनवरी की आपने 20 तारीख को परचेज की थी, यस और नो? अच्छा, अब एक प्रॉब्लम आ रहा है कि जनवरी का महीना भी आधे से ज्यादा गुजर चुका है, क्या हम जनवरी के मंथ को काउंट करें या ना करें? तो इसके लिए आप ये चीज ध्यान में रखिएगा, आप मंथ जो है ना वो काउंट कर लें पूरा का पूरा, यानी जब आप फ्रैक्शनल पॉलिसी फॉलो करें और उसमें ट्रांजेक्शन कहीं मंथ के बीच में हुई हुई हो, मंथ के आखिर में हुई हुई हो, तो आप मंथ ऑफ परचेस काउंट करें। लेकिन फिर आप इस केस में मंथ ऑफ डिस्पोजल काउंट नहीं करें, मतलब फ्रैक्शनल पॉलिसी फॉलो होते करते हुए आप एक चीज फॉलो करें उसे बोले फुल मंथ पॉलिसी, यानी मंथ ऑफ परचेस पूरा काउंट होगा, मंथ ऑफ डिस्पोजल काउंट नहीं होगा। समझे जनाब? हाँ, और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉपर इस तरह डेट है कि पहली तारीख से खरीद रहे हैं, जनवरी 1 पर खरीद रहे हैं,
मार्च 31 में बेच रहे हैं तो फिर तो आप पूरे पूरे मंथ काउंट करें, लेकिन जहां पर आपको ऐसी ट्रांजेक्शन दिख जाती हैं जहां पर आप मंथ के एंड पर खरीद रहे हैं फिर मंथ के बीच में किसी एसेट को बेच रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करें, फुल मंथ पॉलिसी फॉलो करें, मतलब मंथ ऑफ परचेज आप पूरा काउंट करें, मंथ ऑफ डिस्पोजल अभी काउंट ना करें। और डिस्पोजल अब तक आपको सिखाया नहीं गया, डिस्पोजल क्या है, अगर एसेट आया है तो वो डेबिट हुआ है, जाएगा तो वो एसेट यहाँ से अकाउंट से क्रेडिट हो जाएगा, यानी एसेट को बेचेंगे हम और ये हमारी इन्वेंट्री नहीं होगी, इसलिए हम इसको सेल नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पोजल बोलेंगे। कि यूज करने के बाद क्या कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, यस और नो। नाउ अब इसका मतलब ये हुआ, बहुत तवज्जो चाहिए जरा, 2010 तो 2010 में मशीन वन पर हम चार्ज करेंगे पूरे साल की डेप्रिसिएशन, क्यों, क्योंकि हम जनवरी के मंथ को काउंट कर, हमने कहा 4200 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, आंसर क्या गया हमारे पास, 1050। तो सर इस आंसर में तो कोई फर्क नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है बेटा, ये तो हो गई पहले साल की डेप्रिसिएशन। अच्छा जी अब हम आते हैं कहां पर, 2011 में, 2011 में मशीन वन ने कितना वक्त गुजारा, पूरा साल गुजार दिया, तो फिर दोबारा से मशीन वन पे चार्ज कर दें पूरे साल की डेप्रिसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, यही रेट लगा दें दोबारा से कॉस्ट पर, जवाब दें बेटा, आंसर क्या आ गया, 1050 आ गया। लेकिन जो मशीन टू है जिसकी कॉस्ट क्या है, 5000 है, ये मशीन 2011 में आपने कब परचेस की है, 17 अप्रैल को, तो 2011 में ये मशीन जनवरी में नहीं थी, फरवरी में नहीं थी, मार्च में नहीं थी, और अप्रैल भी आधा नहीं थी, लेकिन हम अप्रैल का मंथ पूरा काउंट कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम 5000 का यहां पर लेते हैं 30%, लेकिन अगर मैं 5000 का 30% निकालता हूं तो आंसर पूरे साल का आ जाएगा, मुझे इस साल मशीन टू पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, क्योंकि मैं फ्रैक्शनल पॉलिसी फॉलो कर रहा हूं, तो मैं अप्रैल से दिसंबर तक की डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, बताइए अप्रैल से दिसंबर कितना वक्त हुआ, बेटा बताइए अप्रैल से दिसंबर कितना वक्त हुआ, 9 months, यार आई इज इक्वल्स टू पीआरटी लगाना नहीं आता तुम लोगों को, जल्दी सम कर दें, क्या सम हो, ठीक है जी, तो ये आ गई आपकी दूसरे साल की डेप्रिसिएशन, इससे एंट्री बनी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और बीडी बैलेंस 1050 था उसमें आके प्लस हो गया, सम होके क्या हो जाएगा, वो बैलेंस सीडी बन जाएगा, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन की फ्रैक्शनल पॉलिसी है, मजा कब आएगा, मजा जब आएगा जब हम फॉलो करेंगे आरबीएम की फ्रैक्शनल पॉलिसी, मशीन वन 2012 में पूरा साल इस्तेमाल हुई है, 4200 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, इसका आंसर तो 1050 आ गया, जवाब दें,
मशीन टू जो है वो ईयर, मशीन टू का ईयर टू है, वैसे बिजनेस का ईयर थ्री है। तो मशीन टू जो है वो 2012 में पूरा साल इस्तेमाल हुई है, इस साल चार्ज होगी इस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन। पंद्रह सौ, और जो मशीन थ्री परचेज किया आपने 3500 रुपए की, उसका रेट है 35%। लेकिन वो मशीन परचेज कौन से मंथ में की है? ये मशीन 2012 में परचेज की है और ये 11 जुलाई को परचेज किया, मतलब 2012 में जनवरी से लेके जून तक ये मशीन अवेलेबल नहीं थी। तो लिहाजा इस पे चार्ज होगी 6 महीने की डेप्रिसिएशन। बताइए, जुलाई से दिसंबर तक 612 रख लो उसको। सम करो इसका, 1050 प्लस 1500, 3162। अकाउंट बना लोगे एक्यूमुलेशन का या बना दूं? इसकी अक्यूमुलेटेड डेबिशन का अकाउंट बना लोगे या बना दूं? देख लें, बोल रहे हैं लेकिन फिर कर लेना है काम, छोड़ना नहीं है, और हेडिंग लगानी है कि हम कर क्या रहे हैं। मेथड स्ट्रेट लाइन, पॉलिसी फ्रैक्शनल, ठीक है। अच्छा जी, अब चलें बेटा इसी क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से देख लेते हैं। वो एक और तरीका क्या है हमारे पास? सोफे आरबीएम पॉलिसी फ्रैक्शनल, जवाब दीजिए बेटा। वर्किंग्स, वर्किंग नंबर वन डेप्रिसिएशन, ठीक है। 2010, 2010 में सिर्फ आपके पास क्या है बेटा? मशीन वन है, चार हजार दो सौ इसकी कॉस्ट है, और ये पूरा साल जनवरी के मतलब परचेज की थी। तो आरबीएम में पहले साल रेट लगेगा कॉस्ट पर, और पहले साल तो इस मशीन की तो आएगी पूरे साल की डेप्रिसिएशन। कितनी बेटा? 1050। यस और नो? दो हजार ग्यारह, अगर 2011 पे आप आरबीएम के तहत मशीन वन पे डेप्शन चार्ज करना चाहते, क्या करेंगे आप? 4200 में से आप लेस करेंगे 1050, 1050 बचेगी कितनी बताइए? 4200 माइनस 1050। अरे बेटा WDV बताओ ना यार, जो पूछना वो बताओ। 3150, 3150 इस पे लगाया आपने 25%। इस साल भी मशीन वन पे तो चार्ज हुई पूरे साल की डेप्शन कितनी?
788 गुड। उसके बाद जो नई मशीन परचेज की है 5000, उसका रेट 30% है और इस पर चार्ज करनी है 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, बोलिए। 1125 आरबीएम याद है ना, भूले तो नहीं ना बेटा आप लोग। टोटल कितना हो गया 1913। ओके जी, अब लास्ट ईयर है 2012। 2012 मशीन वन की डब्ल्यू डी पे रेट लगेगा 3150 में से अगर आप मजीद 788 माइनस कर देते हैं तो बताइए वो डब्ल्यू डी वी जो दूसरे साल के एंड पर थी और तीसरे साल के स्टार्ट पर है वो कितनी है। 3150 माइनस 788 बेटा जवाब देना, रिस्पॉन्स दे जल्दी जल्दी। 2362 इस पे लगाया आपने 25%, कितना बना। कितना बना फाइव नाइन्टी। अच्छा जी, उसके बाद मशीन टू 5000 कॉस्ट थी, लास्ट ईयर आपने 1125 से क्या कर दिया, इसको डेप्रिशिएट किया था, तो लास्ट ईयर के एंड पे डब्ल्यूडीवी कितनी बची थी जो इस साल के स्टार्ट की डब्ल्यूडीवी कहलाएगी। 5000 माइनस 1125, जल्दी करें बड़े, जल्दी करें, जल्दी जल्दी बताएं। ठीक है, ये मशीन इस साल पूरा साल इस्तेमाल हुई तो इसका निकाला आपने कितना 30%, 3875 का 30%। सही जी, उसके बाद मशीन थ्री का ये पहला साल है, 3500 इसकी कॉस्ट है, 35% इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है आरबीएम के तहत और ये मशीन इस साल इस्तेमाल हुई है सिर्फ 6 महीने, यानी जिस डेट से ये आई है उस डेट से लेकर ईयर एंड तक 6 मंथ्स काउंट होते हैं। ओके बेटा जी, बेटा कितना आंसर आया इसका, वही लास्ट वाला 612। सम कर दें इसका 590, 1162, 612, 2364। ये आपका आंसर आ गया। अब मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो ये मैंने आरबीएम कर दिया फ्रैक्शनल पॉलिसी से भी। अच्छा, अब इसमें मैंने वो शॉर्टकट नहीं लगाया बल्कि मैंने जो डेप्रिसिएशन आती गई वो माइनस करता गया। याद है लास्ट क्लास में मैंने क्या किया था, 4200 का लिया था 75%, फिर लगाया था उसका 25% ताकि ईयर टू की डेप्रिसिएशन आ जाए। यस और नो, तो उस तरीके से वर्किंग हो जाएगी उस तरीके से।
देखो जरा सब लोग देखो जरा, 2010 मशीन वन 4200 का लिया आपने 25%, ये तो चार्ज कर दिया आपने पूरे साल की डेप्रिसिएशन 1050, ये आपका आंसर आ गया। 2011 मशीन वन, अब क्या किया हमने कहा 4200 का हम 25% निकाल चुके हैं, जो बच रहा है वो कितना है 75%, तो इसको 0.75 से मल्टीप्लाई किया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया 0.25, तब भी आंसर वही आ गया आपके पास 788। यस और मशीन टू का पहला साल है, 5000 कॉस्ट है, मल्टीप्लाई किया 0.3 से, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 किया, आंसर क्या आ गया आपके पास बेटा, आंसर आ गया 1125। आंसर वही 1913 हो गया आपका। अच्छा उसके बाद 2012 मशीन वन का ये तीसरा साल है, तो आपने कहा 4200 रुपए कॉस्ट थी, 25% की दो बार डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है आरबीएम के तहत, जो बचा वो उसका 75% था, फिर जो बचा वो उस बच्चे का 75% था, तो 0.75 की पावर 2 लगा दी और मल्टीप्लाई पर 0.25 कर दी। यस और नो, तो आपको आंसर मिल गया 590। चेक करो भाई सब लोग। अब सारा मसला आता है मशीन टू का, मशीन टू की कॉस्ट जो है वो 5000 है। अब 5000 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि इसे WDE मिल जाए, बताइए आप लोग। नहीं बेटा 0.7 से नहीं कर सकता ना आप, ये तो सोचने वाली बात है, 0.7 से नहीं कर सकता, ये गलत है। क्या मैंने पहले मैंने इसको 2011 में 30% डेफिसिट किया है? नहीं, 30% को मैंने रिड्यूस नहीं कर दिया, 30 तो पूरे साल का रेट है। अब एक काम करो 0.3 को मल्टीप्लाई करो 9 डिवाइड बाय 12 से पहले, यानी जब आप 5000 को मल्टीप्लाई बाय 0.3 कर रहे हो फिर मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 कर रहे हो, तो आप रेट को भी या तो आप रेट को प्रोपोर्शनल कर दो। बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इस पर 9 मंथ्स का रेट अप्लाई किया, पूरे साल का रेट कितना था 30%, लेकिन मैंने इस पर रेट अप्लाई किया 9 मंथ्स का रेट, तो अगर 30% पूरे साल का रेट है तो 9 मंथ्स का रेट कितना हुआ 22.5%, तो मैंने इसको 22.5% डेप्रिसिएट किया ना, तो जो बचा वो कितना है, जो बचा वो कितना है, जो बचा, तो अगर मैं 100 में से 22.5% माइनस कर दूं क्या बचेगा 77.5। तो अगर मैं अब 5000 को 0.775 से मल्टीप्लाई करूं तो अब मिलेगी मुझे WDV और उस पे लगेगा रेट पूरे साल का 30%। चेक कर ले आंसर सेम आएगा, ठीक है। मशीन थ्री जिसका पहला साल है 3500 क्या है उसकी कॉस्ट है, उसका निकाला हमने 35% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 कर दिया, आंसर क्या आ गया 612 आ गया। सम आपका वेरीफाई हो जाएगा 2000 364। हाँ भाई रिस्पॉन्स कीजिए, बात समझ में आई, 0.775 समझ में आ गया सबको, सबसे पूछ रहा हूं सबसे, क्या आपको 0.775 समझ में आया बेटा? आपने उस पर पहले साल जो है जो 2011 उसका पहला साल था मशीन टू का, उस पर आपने
पूरे साल की डेफिनेशन चार्ज नहीं की ना, तो 30% के रेट को आपने मल्टीप्लाई बाय 9/12 कर दिया, 9 months का रेट बना दिया उसको, तो 9 months का रेट बना 22.5%। जवाब दें, समझे? तो फिर अगर आपने उस पर 22.5% डेफिनेशन चार्ज की है, तो जो बचा वो कितना है? 77.5%। तो जैसे मैंने 5000 को 0.775 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर मिला मुझे 3875, क्योंकि WDV है। लगाया रेट कितना 30%, तो मुझे मिल गई ईयर इस मशीन टू के ईयर टू की डेफिनेशन, और वैसे ओवरऑल 2012 ईयर थ्री की डेफिनेशन। जवाब दें। अच्छा, अब एक काम कर दें, वैसे तो इस क्वेश्चन में चौथा साल नहीं है ना, 2013 नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूं आप मुझे 2013 की डेफिनेशन कैलकुलेट करके बता दें। अगर ये तीनों मशीन्स कंटिन्यू करती हैं 2013 में, तो 2013 में इनपे क्या डेफिनेशन चार्ज होगी टोटल, बताइए आप लोग कैलकुलेट करके, ताकि मुझे ये यकीन हो जाए कि आपको बात समझ में आ गई और आपको कैलकुलेट करना भी आ रहा है। जी बिल्कुल बेटा, आप 2013 की मुझे डेफिनेशन कैलकुलेट करके बताइए सब लोग, टोटल आंसर बताइए, ताकि फिर मैं आपके आंसर को वेरीफाई कर दूं। जल्दी से, जल्दी करो, जल्दी करो बेटा। अभी आपके सामने, यहाँ पर आपके सामने डेप्शन आ गई थी 2013 की, जो मैंने इजाफी आपसे वर्कआउट करने के लिए बोली, ठीक है, सोफी आरबीएम फ्रैक्शनल पॉलिसी, तो उसके तहत भी हमने डेप्शन वर्कआउट कर ली थी, ठीक है। उसके बाद जो इसके बाद वाला क्वेश्चन डायाना, वो आपने होमवर्क करना है, और उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो इसमें बहुत सारी ए बी सी और तीन पार्ट है मेरे ख्याल से, वो भी आपने होमवर्क कर लेना है, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।